हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो चार ऑप्शन दिए हैं आपको, यहाँ पर कुछ ऑर्डर दिए हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा ऑर्डर आपकी प्रॉपर्टी के साथ में कोरिलेट नहीं कर पाता। ठीक है, सो पहला इंक्रीजिंग साइज को लेकर, इंक्रीजिंग आयनिक साइज को लेकर। सो यहाँ पर अगर आप ए ऑप्शन के अंदर देखेंगे, सो हमारे पास चार स्पीशीज है, Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर तो हमें पता है, एल्यूमिनियम का 13, मैग्नीशियम का 12, सोडियम का 11, फ्लोरीन का 9। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन देखूं तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इन सब के अंदर आप 10 इलेक्ट्रॉन काउंट देखोगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसके इनका हम P/E रेशो निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ से इनका P/E रेशो निकाल लेंगे। जस्ट अ सेकंड, कुछ हो रहा है। तो ये P/E रेशो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन काउंट आपको दिख रहा है रिस्पेक्टिवली 13, 12, 11 एंड 9 है। तो P/E रेशो 1.3, 1.2, 1.1 एंड 0.9 हो जाएगा। तो जिसका P/E रेशो ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पर एक इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा प्रोटॉन्स अवेलेबल है, तो वो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा साइज एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव का होगा, देन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का, देन सोडियम पॉजिटिव का, देन फ्लोराइड का सबसे ज्यादा होगा। तो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर ट्रू है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, बी ऑप्शन के अंदर चेक करते हैं। तो यहाँ पर बी बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कह रहे हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है, दैट इज रिक्वायर्ड बाय द आइसोलेटेड गैशियस न्यूट्रल एटम टू रिमूव आउट वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो अगर मैं बोरॉन को देखूं तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p1। कार्बन का हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p2। नाइट्रोजन का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, एंड ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 1s2, 2s2 एंड 2p4। भैया एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी इस केस में आपके नाइट्रोजन की होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का जो पी ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, वो हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। सो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, देन आपके ऑक्सीजन की आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा यहाँ से तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 2p3 हो जाएगी, तो इस वजह से फटाफट से लूज करने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद कार्बन के होने चाहिए। ठीक है, कार्बन की सबसे कम आपके बोरोन के होने चाहिए। देखिए बोरोन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 2p से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2 बेरिलियम की कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, जो काफी क्वाइट स्टेबल कॉन्फिगरेशन होती है। ठीक है, और प्लस हम ये बोल सकते हैं कि बोरोन से कार्बन में जाते हैं तो साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, तो छोटे साइज के एटम में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इस वजह से ये ऑर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पर तो आपका नाइट्रोजन की कम दे रखी है, ऑक्सीजन की ज्यादा दे रखी है, तो ये फॉल्स ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगर सी में देखें तो यहाँ पर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की है विद नेगेटिव साइंस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी है, जनरली वो रिलीज होती है जब आप किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम की वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देते हो। ठीक है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप होते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन सॉरी एनर्जी रिलीज हो जाती है। बट सम केसेस में पॉजिटिव भी होती है जब आपको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ओवरकम करवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हैलोजन्स के केस में जो सबसे ज्यादा होती है वो क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की एंड सबसे कम आयोडीन की होती है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट दिया है। अब हम सोचेंगे कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, बट होती नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें जाएगा 2p में जाएगा, उसका साइज काफी छोटा होता है। ठीक है, तो वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू वो कम आती है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 3p के अंदर जाता है, जिसका साइज सही होता है कंपैरेटिवली, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होते हैं और आपका एंथैल्पी ज्यादा रिलीज हो जाती है। सो सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑर्डर ट्रू है। बाकी आयोडीन की सबसे कम इस वजह से, क्योंकि साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, डी में देखते हैं।
आयनिक सॉरी इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका होगा? सो मेटालिक रेडियस की बात कर लो, आयनिक रेडियस की बात कर लो, एक ग्रुप के अंदर जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे छोटा साइज लिथियम का होगा, देन सोडियम का होगा, देन पोटेशियम का, और सबसे ज्यादा रुबिडियम का होगा। ये ग्रुप वन के एलिमेंट है, तो ये ऑर्डर भी बिल्कुल ट्रू दिया हुआ है। सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सो ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।